हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्रॉम्पटन ग्रेव्स स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और 1000 से ऊपर का हमारा परिवार हो चुका है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो शुरू करते हैं इस स्टॉक पर। तो मैं स्टॉक का ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ, कहाँ से स्टॉक गिरना शुरू हुआ आप देख रहे हैं, कहां से गिरना शुरू हुआ था और अभी तक स्टॉक लगातार नीचे गिरता रहा। यहां से गिरा स्टॉक, ये डेट थी सितंबर 2022, 13 सितंबर से स्टॉक में गिरावट हुई और उसके बाद स्टॉक संभल नहीं पाया है। अब जाकर के स्टॉक ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, ठीक है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ चार्ट को, थोड़ा सा बड़ा करेंगे चार्ट तो उसके बाद हम देखेंगे क्या इसमें स्थिति बन रही है। हाँ, तो अभी क्या है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, अभी जो है प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देना चाहूंगा इस स्टॉक को। क्या हो गया, माउस गड़बड़ कर रहा है दोस्तों। हाँ, तो यहां से मैंने सपोर्ट लिया, सपोर्ट क्या लेंगे हम, सपोर्ट आपको दिख रहा होगा स्ट्रांग सपोर्ट, तो आप यहां पे कहेंगे ये वाला नीचे, दो बार यहां पे टच किया है, ठीक है। लेकिन अभी स्टॉक का एक रेजिस्टेंस है जो अहम रोल निभा रहा है, वो है ये 301 का और 381 का सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस अहम रोल निभा रहा है। अगर स्टॉक यहां से ब्रेकआउट कर देता है 301 रुपए से, तो आपको पहला टारगेट तो आपका मिल जाएगा 317 का, ठीक है, और उसके बाद और भी टारगेट्स होंगे इसमें और फिर बड़े बड़े टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। अगला टारगेट आपका सीधा 370 रुपए के आसपास का होने वाला है। तो अभी क्या है, अभी वेट करें स्टॉक में ब्रेकआउट होने का। अगर यहां से आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है तो स्टॉक में आपको अच्छे खासे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नजर बना करके रखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।